और जनपद रुद्रप्रयाग में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत बासमू में प्रभारी जिला सूचना अधिकारी रतिलाल शाह की अध्यक्षता में ग्राम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजित ग्राम चौपाल कार्यक्रम में ग्रामीणों द्वारा 14 समस्याएं दर्ज कराई गई। वहीं ग्रामीणों द्वारा दर्ज कराई इन समस्याओं को तुरंत ही निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया गया है। इसी क्रम में प्रभारी जिला सूचना अधिकारी रतिलाल शाह ने कहा कि सरकार की मंशा है कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों की सभी योजनाओं का लाभ उपलब्ध हो और उनकी समस्याओं का तुरंत ही निराकरण करने के उद्देश्य से सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम आयोजित कर रही है और साथ ही जनता को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि क्षेत्र में संचालित निर्माणाधीन योजनाओं का भी स्थलीय निरीक्षण किया जाए। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल ने की रिपोर्ट। जिलाधिकारी के निर्देशन में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हो रही है उसका लाभ आम जनमानस को उपलब्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ग्रामवासियों की क्या समस्या है, उनकी समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से यह जनता दरबार का आयोजन किया गया है, जिसमें आज ग्राम बामसू में ग्राम चौपाल का कार्यक्रम आयोजित करते हुए ग्रामवासियों की समस्याओं को सुना गया, जिसमें ग्रामीणों द्वारा अधिकतर समस्या दर्ज कराई गई, जिसमें किसान सम्मान निधि से अधिकतर समस्या दर्ज हुई है और उसमें मनरेगा के तहत जॉब उपलब्ध कराना, आवास संबंधी समस्या दर्ज की गई, जिसको संबंधित विभागों को प्रेषित किया जाएगा और सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजना है उसके बारे में ग्रामवासियों को अवगत